सिर्फ ऐलान हुआ है कि भाई आपने किराया नहीं देना है, बाकी तो जो क्या है बोले जो मालिक के कहा से मानेंगे कि भाई आपने किराया नहीं देना है, वही बोले कि चलो भाई दो महीने की किराया माफ़ी कि दुकान खाली करवा दो, बाकी हमारे साथ जो लड़के काम करते हैं उनको पैसे देना पड़ता है, उनके सैलरी है और खामा खा थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, मुतमिन तो है ना होने से फिर भी बेहतर है, लेकिन ये है कि हमारे जितना काम होते हैं ना यानी कि 2 बजे के बाद से लेके फिर अफ्तारी यानी 10-11 बजे तक होता है हमारा असल काम, सुबह का टाइम बिल्कुल खामोशी होती है, कुछ भी नहीं होता है, फिर भी ना होने से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी मौका दिया हुकूमत का शुक्रगुजार है हम लोग। जितनी भी आवाम को मुश्किलात पेश आ रही थी और इसके अलावा खुसूसन ताजर बरादरी को जो मुश्किलात पेश आ रही थी उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत बलूचिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ैसला किया है। ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है ये एक ख़ास मुद्दत के लिए है, जैसे कि 8 मई की नोटिफिकेशन के मुताबिक ये सिर्फ 10 दिनों के लिए फ़िलहाल एक टेस्टर के तौर पर हुकूमत बलूचिस्तान ने लागू किया है ताकि हम लोगों के रिस्पांस को और जितनी भी ताजर बरादरी है उसके रिस्पांस को देख सकें कि हुकूमत की पॉलिसी जो अभी हमने लॉकडाउन को थोड़ा सा नरम किया है वो सिर्फ इस वजह से किया है कि एक तो ईद का त्यौहार भी आ रहा है हमारे साथ, दूसरा पाकिस्तान जो है वो पावर्टी प्रोन कंट्री है, बहुत सारे लोग जो हैं अगर कोई कोरोना से नहीं मरा तो वो भूख से मर जाएगा, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई भी बंदा दुकान खोलता है और वो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, जिस तरह 4 बंदे एक दुकान में ज़्यादा नहीं हो सकते, 4 बंदों से ज़्यादा वो अपने साथ एक दूसरे के दरमियान में सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, इसी तरह हमने दुकानदारों को ये भी बताया है, हमारी बाकायदा वॉलंटियर्स की सोशल कैंपेन चल रही है, अवेयरनेस कैंपेन चल रही है कि उन्होंने बाहर हमाम वगैरह या इसके साथ सैनिटाइजर्स वगैरह लगाने हैं कि जो कोई भी उसके अंदर एंटर हो दुकान के अंदर तो वह सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करें। इस तरह जितने भी हमारे पास शॉपकीपर्स हैं, शॉपकीपर्स के साथ जितने इमदादी लोग हैं वो तमाम उनका भी वो पहनना, मास्क पहनना और अपने हाथों को सैनिटाइज करना उसको हमने लाजमी करार दे दिया है, तो इसके साथ अगर ये इस चीज़ों पर अमल होता है तो हम इंशाल्लाह कोरोना को भी डिफ़ीट करेंगे और अपनी इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाएंगे।